वेलकम टू भारती बायोलॉजी सो आज हम रेप्लीकेशन के बारे में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे रेप्लीकेशन तो नहीं है बट रेप्लीकेशन से रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर दो दो नंबर के कुछ काफी क्वेश्चन आते हैं और उससे क्वेश्चन ना भी मिले लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम पढ़ते हैं रेप्लीकेशन क्या होती है डीएनए से डीएनए को बनना उसको हम रेप्लीकेशन बोलते हैं और ये एस फेज में होती है साइकिल के ठीक है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है दैट मीन्स एक स्टैंड जो है वो पेरेंटल होगा और दूसरा स्टैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होगा ओके इन प्रो कैरियोर्स इट इज मोनो Prokaryotes में वो मोनो रेप्लीकोन है उसका क्या मतलब उसका मतलब ये है कि उनका जीनोम सर्कुलर होता है तो उनके पास सिंगल एक ओ आर आई सी साइट प्रेजेंट होती है एक ओ आर आई सी का मतलब क्या है कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो वहां वो सिर्फ एक ही होता है लेकिन यू के केस में क्या होता है वो पोली रेप्लीकोनिक होती है दैट मीन्स अगर जो यू होते हैं उसमें लीनियर डीएनए मिलता है लीनियर डीएनए के मिलने की वजह से वहां पर जो ओ साइट होती है वो मल्टीपल्स होती है मतलब बहुत सारी ओ साइट प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे पोलो रेप्लीकोनिक दैट मीन्स पोली रेप्लीकोनिक मतलब काफी सारे पॉइंट से रेप्लीकेशन जो है वो एक साइमटेनियसली वो स्टार्ट हो सकता है जो रेप्लीकेशन की डायरेक्शन है फोर्म्स इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन है प्राइमर इज रिक्वायर्ड Because DNA polymerase extend DNA stand. वेन ओ एच इज प्रोवाइडेड फ्राम प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रीवियस न्यूक्लियोटाइट इसका क्या मतलब हुआ है कि जो प्राइमर है वो चाहिए होता है एप्लीकेशन को बनने के लिए ये एक काफी इम्पोर्टेंट प्वाइंट है इसमें क्या है कि ये एक डीएनए की डीएनए पॉलीमरेज की ये ड्रॉबैक में भी आता है कि डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर क्यों चाहिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है वो सिर्फ एक्सटैंड कर सकता है जो स्टैंड वो बना रहा है ठीक है न्यूली फम्ड स्टैंड जो है वो उसको सिर्फ एक्सटैंड कर सकता है उस स्टैंड को एक्सटैंड करने के लिए उसको थ्री प्राइम ओ एच चाहिए और थ्री प्राइम ओ एच जो होता है वो उसको प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड से मिलता है और जो प्रीवियसली न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसको कहां से मिलेगा वो उसको प्राइमर से मिलेगा और हम रेप्लीकेशन स्टेप के अंदर जो प्राइमर होता है वो आर एन ए प्राइमर को यूज करते हैं तो आर एन ए प्राइमर रेप्लीकेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डीएनए पॉलीमर इस जो है वो सिर्फ एक्सटैंड कर सकता है न्यूली न्यूलीफॉर्म्स स्टैंड को वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड उसमें एड नहीं कर सकता और ये कंसीडर किया गया है कि ये डीएनए पॉलीमरेज का एक ड्रॉबैक भी है उसके बाद है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो सिंथेसाइज्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज से और कौन कौन से पॉलीमरेज है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो ये पांच टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए को बनाता है इन यू कैरियोड्स डीएनए सिंथेसाइज बाय डीएनए पॉल डेल्टा एंड एप्सिलोन डीएनए डेल्टा और एप्सिलोन की हेल्प से जो यू कैरियोड्स होता है उसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है और इट इज प्रोसेसिव एंजाइम अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काफी प्रोसेसिव एंजाइम है दैट मीन्स कि मतलब जैसे डीएनए रेप्लीकेट होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड को एड करने का प्रोसेस है वो काफी बेनिफिट है मतलब फर्स्ट जो डीएनए पॉलीमरेज वन है वो इतना प्रोसेसिव नहीं है डीएनए पॉलीमरेज थ्री एस कंपेयर टू वन एंड टू बहुत ज्यादा प्रोसेसिव इंजाइम है दैट मीन्स कम टाइम में ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को एड करता है और एरर फ्री रेप्लीकेशन करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो हमने रेप्लीकेशन के बारे में पढ़े हैं तो हम डीएनए uh, पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रेप्लीकेशन uh, को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं और कुछ की पॉइंट्स भी आप इनको कह सकते हो एज अ शॉर्ट नेट नोट्स तो ये वीडियो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए एमएससी स्टूडेंट्स के लिए और सीएसआईआर नेट एस्पायरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू